हेलो फ्रेंड्स, जय वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम आ गया है और मॉनसून्स जितने प्लेजेंट होते हैं उतने ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि फीवर, कोल्ड, फ्लू एंड एक्ने, ये सब हमें होता है। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ नॉर्मल इजी हैक्स जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में लाने हैं टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड एंजॉय योर रेनी सीजन। तो सबसे पहला चीज जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज यू हैव टू स्टे योर हाइड्रेटेड। ठीक है, यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन अ डे, और बॉयलिंग वाटर अगर मिल पाए तो दैट इज गुड, नहीं तो आप एक अर्दन पॉट ले ले लीजिए। ठीक है, एक मटका ले लीजिए, उसमें पानी रखिए और उसमें हो सके तो तुलसी के पत्ते कुछ डाल दीजिए, उसके बाद उसको पीजिए दिन में। तो उसका अल्कलाइन नेचर होता है जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और गैस्ट्रोनॉमिक पेन से रिलीफ देता है। तो सेकेंड चीज जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज बैथ लीजिए ट्वाइस अ डे। यू टेक बैथ ट्वाइस अ डे टू स्टे योर सेल्फ अवे फ्रॉम ह्यूमिडिटी एंड टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है रेनी सीजन में, तो वो इसलिए आप ट्वाइस अ डे बाथ लीजिए। उसके बाद आप बाथ लेने के बाद तुरंत ही एसी में मत बैठिए, ठीक है, बिकॉज योर बॉडी इज ऑल वेट। तो आप एसी में बैठेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके बाद गीले कपड़े, अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो गीले कपड़े में ज्यादा देर ना बैठें। और जो थर्ड थिंग मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कि आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को स्क्रब करके ही कुक करिए। पहले उसको आप पानी में रखिए, फिर उसमें थोड़ा नमक डालिए, फिर उसके बाद उसको वॉश करिए। तो डोंट ईट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर वॉशिंग, बिकॉज उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो वो आप अगर कुक करेंगे तो वो आपके अंदर जाएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और हो सके तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाइए जितना हो सके। ठीक है, और एक और चीज मैं बताऊंगा, जैसे कि आपकी प्राणिक एनर्जी, मतलब जो पाचन अग्नि है आपके बॉडी में, वो मॉनसून्स में लो रहती है, क्योंकि सूरज निकलता नहीं है तो वो लो रहती है, इसलिए वो डाइजेशन पे भी इफेक्ट करती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सावन का मौसम है, जो रेनी सीजन का मौसम है, इसमें हल्की चीजें ही खाइए। ठीक है, और थोड़ा एक्सरसाइज करिए ताकि आपको डाइजेशन में हेल्प मिल सके, आपको एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो इसमें जैसे नॉनवेज तो बिल्कुल आपको नहीं खाना है, क्योंकि उसको डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। फिर हैवी चीजें मत खाइए, ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स भी मत खाइए। ठीक है, जितना हो सके हल्का खाइए और समय पे खाइए। ठीक है, ये एक चीज है जो आपको फॉलो करनी है। तो चौथी चीज मैं जो आपको बताऊंगा वो है कि जैसे आपको कोल्ड एंड फ्लू की काफी शिकायत रहती है, तो इससे बचने के लिए सोने से पहले आप अपने नॉस्ट्रल्स में, नाक में जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, उसकी कुछ बूंदे डाल लीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। उससे क्या होगा, आपकी स्लीप इंप्रूव होगी, आपकी स्लीप इंप्रूव होगी और आपको कोल्ड और जैसी कोई भी चीज आपको नहीं होगी। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको सरसों का तेल नहीं मिलता है तो आप कोई भी नेजल आपका ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में, वो आप डाल लीजिए, तो इट विल गिव यू ह्यूज बेनिफिट। तो पांचवी और लास्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि मॉनसून्स में आप अपने सराउंडिंग को क्लीन रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पानी भर जाता है, उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, फिर मलेरिया जैसी शिकायतें होती हैं। तो अगर आप कहीं भी पानी रुका हुआ है आपके घर के आसपास तो उसको क्लियर कर दीजिए। तो ये कुछ सिंपल हैक्स हैं जो आपको फॉलो करना है टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन दिस रेनी सीजन। और ये सब चीजें आप अपनी फैमिली को भी बताइए ताकि वो भी उससे पूरा लाभ उठा पाए। तो ऐसे ही और कंटेंट जानने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।